हम उनको लेके गए, चाइना गया है उसके डेवलपमेंट के लिए। बड़ा जरूरी था कि आप उनके साथ बैठ के कंसेंसस डेवलप करते हैं। अच्छा, आप समझते हैं नहीं जनाब, को हमारी टर्म्स में बात नहीं करना चाहते थे बलोच सेपरेटिस्ट, फेयर एनफ। तो फिर आपके पास इतना तो हो ना सिक्योरिटी प्रूफ, एक एक उसका फुल प्रूफ होना चाहिए कि आप फिर उनको सेव कर सकें जो लोग बाहर से आप लेके आ रहे हैं। हालत आपकी, ये अभी खबर में पढ़ रहा था कि SOPs जो आ रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो आपने जो चाइनीज को रखने के लिए वो आपने सिक्योरिटी देनी थी वो भी नहीं दे रहे, बल्कि आज मैं देख रहा था ट्विटर सोशल मीडिया पर चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है, उन्होंने हर दफा हमारे वहां पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं या हमारे वहां पे टेक्निकल मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान से इजाजत लेके आपको वहां पे बम्बारमेंट करनी चाहिए। वहां पे दबाव बढ़ रहा है उन पर चाइनीज, आप वहां पर कराची यूनिवर्सिटी में इंटेलिजेंस के बच्चे, इंटेलिजेंस के लोग हो और पढ़ भी रहे हो, क्यों ऐसा नहीं है? तो आपको पता चल जाता है लड़की के जहन क्या है भाई। वहां पे ग्रुप बने हुए हैं, बलोचियों का ग्रुप है, पश्तूनों का अलग ग्रुप है, अभी तो ये हुआ, अभी पश्तूनों का अलग से आएगा, तुम देख लेना। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आपने रॉब क्लासरा का वीडियो देखा, उसके बाजू से बिल्कुल कराची एयरपोर्ट की क्लिप है जिसमें चीनी पीपी किट पहनकर जा रहे हैं चाइना वापस। किट क्यों पहनी है? क्योंकि चाइना में अभी कोविड तेज हो गया है, तेजी से फैल रहा है और वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा है कई इलाकों पर, इस वजह से वो किट पहनकर जा रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में बताते हैं कि क्यों चाइनीज़ एकदम से पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं और चाइना की तरफ से ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं कि वो खुद अपनी फौज भेजना चाहते हैं BLA के ठिकानों पर हमले करने के लिए या बमबारी करने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कराची का जो वाकया है इसमें कम्प्लीटली फेल्योर है जो IB का, सिंध पुलिस का, सिंध की इंटेलिजेंस का, ISI का, सबका फेल्योर है। और आप देख लीजिए कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इलाका है पूरा, जो वेस्ट, जो 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 बलोचिस्तान का जो वेस्ट का एरिया है जी, अवरान है, जो केच है, पंजगूर है, तुर्बत है, और जो भी करीब तरी इलाका जात हैं गवर्दर के, वो सारा एक एरिया है। आप वहाँ पर क्यों इंटेलिजेंस नहीं कर सकते? वहाँ आपका सेटेलाइट वहाँ काम क्यों नहीं कर सकता? फिर ये जो खातून है, इस खातून का शुरू दिन से रिकॉर्ड मौजूद है इनके पास कि ये खातून जो है, इसके 6 बहन भाई हैं और ये आला तालीम याफ्ता है, ख़ुद भी MSc रही है, उस टीचर रहती, पैसे 16 ग्रेड की सरकारी गाड़ी में आने जाने वाली थी। फिर जब ये इसका मियाँ खुद इन्वॉल्व है, वो यहाँ पर आकर, मैंने यहाँ पर होटल में ठहर गया आकर, जो कि एक बंगला भी है, एक फ्लैट भी है, वो जो उनके बाप का, वो भी सरकारी अफसर है। तो ये कैसे नहीं हो आपके से, देखिए केस का इलाका है या जो जो भी इलाके, ये सारे के सारे आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है दहशतगर्दी, दहशतगर्द पनप रहे हैं, असल में तो यहाँ पर पनप रहे हैं, क्योंकि ये एरिया जब आप गए खुद भी, जब वहाँ पहुँचे थे तुरबल में पहुँचे, तो आपको भी वहाँ पर रोका था जी, तो हम सारी रात आपके लिए जागते रहते कि भाई कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, अल्लाह का शुक्र। तो ये बात जब सबको मालूम है तो आपको क्यों नहीं मालूम है, मुझे बताइए इंटेलिजेंस, क्योंकि और कितने आदमी यहाँ काम कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में आपको ज़्यादातर पश्तून मिलेंगे, बलोच मिलेंगे और उर्दू स्पीकिंग लड़कियाँ मिलेंगी, और लड़के हैं ही नहीं नाम पर उर्दू स्पीकिंग, और ये कराची का राइशिप नहीं मिलता वहाँ पर। तो यह कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको आपको नज़र रखनी चाहिए थी कि इतना बड़ा बाग कैसे हो गया, आपको बताइए ना, ये बात इतनी बड़ी हो गई। आप और फिर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये अभी भी बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर सारे जितने भी राना ये जो इनका वो है, जो बहुत बड़ा जो इनका वो है, सारे के सारे मेरे पास, गुलाम हुसैन मेरे पास आता था, जो इनका बलोच अफसर इनका था, मर गया। फिर ये जो डॉक्टर जो ये है, जो बहुत बड़ा डॉक्टर इनका है, वो भी आता था, जो मेरी किताब में सारे लिखा है, बलोचिस्तान में शोरिश में इनका जिक्र किया है, एक चैप्टर उनके नाम पर रखा हुआ है। पहले यहाँ कराची के अंदर प्रेस क्लब के सामने बैठ कर हड़तालें करते थे, और अब इन्होंने बाहर से पैसा इनको मिल रहा है बाहर से, मैंने जो, तो अब वो आप क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते हो? जब एक आदमी आया था वो जो लेफ्टिनेंट जनरल जो था, जो बाद में सिक्योरिटी एडवाइजर बना नवाज शरीफ का, तो उसने तो वहाँ पर हालात बहुत कंट्रोल कर लिए थे, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? चीफ साहब से ये सवाल है भाई, चीफ साहब आप पर कर क्या रहे हैं? यानी आपकी वजह से जो यानी फौज की वीकनेस हुई है, जो 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 उनका ग्राफ गिरा है पॉपुलरिटी का, वो तो गलत हो रहा है ना जी, तो आप इसको ठीक करें, आप इसको, क्योंकि पैदर पे वाकयात हो रहे हैं, देखिए दहशतगर्दी का वाकयात मुसलसल है बॉर्डर पे, नहीं मालूम है कि आप भाई उसकी लेवल बहुत बढ़ गया है, उसकी सोफिस्टिकेशन बहुत बढ़ गई है जी। लेकिन आप मुझे बननी चाहिए ना भाई, आप जब एक चीज को कमांड कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप ये लोगों के लिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि साहब मैंने जो है ताल्लुकात अच्छे कराए,
वहाँ पैसे ला के मैं लेके आया, भाई इसके बजाय आपको अपनी अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर करना चाहिए भाई। आपको इतने आदमी जब शहीद होते हैं तो एक चीफ के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि इतना बड़ा हो गया, और सवालिया निशान है आपके ऊपर कि आपकी कमांडरी पर सवालिया निशान है कि क्या हो रहा है आपके बादशाहत के अंदर, आपके आपकी कमांडरी में कि रोज हमारे आदमी शहीद हो जाते हैं। और ये बड़ा वाकया है, ये बॉर्डर पे अलार्मिंग पे ये जो हुआ कुछ हुआ है, खातून को आना, वो बलोच खातून का आना जी। तो जब उसके आपको बलोचिस्तान पहले यूनिवर्सिटीज में आप इंटेलिजेंस के लड़के पढ़ाए जाते थे, वो नजर रखते थे, अब कहाँ गए वो आदमी आपके पास, ये क्यों नहीं ऐसा है कि आप वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में इंटेलिजेंस के बच्चे इंटेलिजेंस के लोग हों और पढ़ भी रहे हो, क्यों ऐसा नहीं है? तो आपको पता चल जाता है कि लड़की के जहन क्या है भाई। वहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, बलोचिस्तान का ग्रुप है, पश्तूनों का अलग ग्रुप है, अभी तो ये हुआ, अभी पश्तूनों का अलग से आएगा, तुम देख लेना। आपको याद होगा कि जब यानी जब जब ये वाकया हुआ था आपका जो इसका जो इंडिया ने हमला किया 26 को जी, तो मैंने ये कहा था आपने जब उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था, मैंने कहा था दूसरा वाकया जो है वो होने वाला है समंदर पे होगा। मैं वो जो बैठे थे मैं रियर एडमिरल उससे कहा सलीम साहब से जी, मैंने आप समझना आपके हो गए, तो उसके बाद में उनकी वो आ गई थी। अब तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके नाम पे इंडॉक्ट्रिनेशन करना कितना आसान है, जो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि 14 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, ले जाते हैं एक मखसूस एनवायरनमेंट में रखा जाता है, मुसलसल उनको हेट्रेड सिखाई जाती है टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, टुवर्ड्स अदर मजहब या फिक्के या सेक्स वगैरह वट एवर ही हैं, कि उसके बाद वो ये समझते हैं एक हम उस पर होली मिशन पर हमने जाना है और हमने करना है। ये मीनार पाकिस्तान पे मैं देख रहा था पिछले हफ्ते की जो रैली हुई है वहाँ पे जलसा हुआ, एक बड़ी आपने वीडियो देखी होगी वहाँ पे चल रही थी, एक बाप कह रहा था कि मेरा लीडर अगर कहे तो मैं अपने बेटे का गला यहीं पे काट दूँ, ये सुना होगा सब लोगों ने सुना, इट वाज शॉकिंग कि लोग कितने भी इवन उनको छोड़ें ना मजहबी लोगों को छोड़ दें, आप उनको छोड़ दें, नेशनलिस्टों को छोड़ दें, तालिबान को छोड़ दें, बलोचों को, दीगर लोगों को छोड़ दें, या पॉलिटिकल एक पार्टी का फॉलोअर कह रहा है और साथ में बच्चा खड़ा हुआ कहते मुझे कहे मैं यहाँ से जाकर छलांग लगा दूंगा मीनार पाकिस्तान से, वो कहे अपने बेटे को साथ बेचारे को पकड़े 8-10 साल का ऊपर कर कहता है कि अभी मेरा लीडर हुक्म करे इसको मैं मार दूंगा। आपको बता रहा हूँ कि लोग आपकी गुफ्तगू से बातों से इंडॉक्ट्रिनेशन से कैसे मुतासर होते हैं, जो लीडरशिप को या उन लोगों को जो इनको ब्रेन वॉश कर उनको समझ नहीं आते हम कर क्या रहे हैं, एक चीज। दूसरा, जो बलोचों के साथ आज उन्होंने बड़ी अच्छी बातें जैसे इन्होंने बताया, मुशाहिद ने भी लिखी हैं, इनके साथ जो दो चार बड़े इश्यूज हुए हैं जिनको नहीं समझने की हमने कोशिश, वो करेंगे भी नहीं खैर से, हमने बंगाल में भी ऐसे डील किया था बंगालियों को, और सेम ट्रीटमेंट हम वहीं पर रखे जा रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो सन ऑफ द साहल्स हैं, उनको हमने गद्दार बनाया हुआ है, और हम जहाँ पर जो बैठे हुए हैं हम ज़्यादा महजब हैं, ज़्यादा हम इनके हैं। आपका जो फॉल आउट हुआ है सबसे बड़ा, मुझे याद है नासिर खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ पर बलोचिस्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, तो यहाँ मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स मैंने देखे थे, उन्होंने कहा जनाब ये बलोचिस्तान का मसला है आपकी फॉरन और आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से, ये इंटरनल नहीं है, ये आपके एक्सटर्नल इश्यूज हैं जो इन्होंने भी अभी जिक्र किया, ईरान के साथ आपके कैसे तलुकात हैं, अफगानिस्तान के साथ आपके कैसे तलुकात हैं, इंडिया के साथ कैसे तलुकात हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर आपको हर्ट करने की वो कोशिश करते हैं। आपने सारे वहां से ये भाई हमारे फिर नाराज हो जाएंगे यहां पे अगर ये अचक जय साहब एंड कंपनी सारा ब्लो आपने वहां से अफगानिस्तान से तालिबान जब वहां के अफगान ला के सारे आपने वहां बसा दिए अपनी कंस्टिट्यूंसी बना दिए, अच्छा फिर हम यहां से हम भी पहुंच गए सपोजली, अच्छा बहुत सारे लोग गए थे बलोचिस्तान को डेवलप करने गए थे, उनको वहां पढ़ाने गए थे, एजुकेट करने गए थे, हमारी साइड पे सरायकी इलाकों में से बहुत सारे लोग गए थे, आपके पंजाब में से गए, उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई गए थे, उनके यहां जो आबादी का दबाव बढ़ा है दे फेल्ट कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, कुवैतें आ रहे हैं, उधर से अफगानिस्तान से लोग आ गए, उन्होंने पूरा क्वेटा पे कब्जा कर लिया है, वो सारी जायदादें वगैरह उन्होंने खरीद ली हैं, और बाकी जो उन्होंने आके एज ए रिएक्शन के तौर पर उन्होंने उनको सरायकियों को पंजाबियों को उर्दू स्पीकिंग उनको मारना शुरू कर दिया, तब बेचारे हालांकि वो लेबरर थे जो गए हुए थे, उस्ताद थे, पढ़ाने गए थे आपको आपको करने के लिए, सो उनके अंदर ऊपर से एक एक हम उनको लेके गए चाइना गया है उसके डेवलपमेंट के लिए, बड़ा ज़रूरी था कि आप उनके साथ बैठ के कंसेंसस डिवेल्प करते, अच्छा आप समझते हैं नहीं जनाब को हमारी टर्म्स में बात नहीं करना चाहते थे बलोच सेपरेटिस्ट, फेयर इनफ, तो फिर आपके पास इतना तो हो ना सिक्योरिटी प्रूफ, एक एक उसका फूल प्रूफ होना चाहिए कि आप फिर उनको सेव कर सकें जो लोग बाहर से आप लेके आ रहे हैं। हालत आपकी ये अभी खबर में पढ़ रहा था कि SOPs जो आ रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो आपने जो चाइनीज को रखने के लिए वो आपने सिक्योरिटी देनी थी वो भी नहीं दे रहे, बल्कि आज मैं देख रहा था ट्विटर सोशल मीडिया पर चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है, उन्होंने हर दफा हमारे वहां पे मारे जाते हैं सिविलियंस मारे जाते हैं या हमारे वहां पे टेक्निकल मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान से इजाजत लेके आपको वहां पे बम्बारमेंट करनी चाहिए, अब वहां पे दबाव बढ़ा है उन पे, चाइनीज पे दबाव बढ़ा है, ये मैं आज उस पे ट्विटर पे देख रहा हूं, उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा था, चाइनीज बड़े इंपॉर्टेंट थे वहां पे, उन्होंने कहा पाकिस्तान अगर खुद नहीं हैंडल कर सकता हमें इजाजत दें, हम जाएंगे उनको हैंडल करेंगे। सो अगर ये खतून जो है इतनी इंडॉक्ट्रिनेशन हुई है, मैं देख हुई कह रहा था कि उस्तानिया स्कूल में पढ़ाती हैं दो बच्चों की माँ।
तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको पता होगा चाइनीज पर बलूचिस्तान में हो या केपीके में हो या सिंध कराची में हो काफ़ी अटैक हुए हैं, और ज़्यादातर जो चाइनीज़ पर अटैक किए हैं वो बीएलए ने किए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइनीज़ पर ही स्पेशली अटैक क्यों करती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये खबर इंटरनेशनली न्यूज़ बनेगी। पाकिस्तानियों को वो मारेंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, भले पाकिस्तान का कोई वो बड़ा अधिकारी हो, छोटा आदमी हो या फौज का अफसर हो, दो तीन दिन में लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो चाइनीज़ पर अटैक करेंगे, चाइनीज़ का कोई मामूली छोटा सा लेबर या कुछ भी हो उन पर अटैक करेंगे, तो ये खबर डेफिनेटली दुनिया भर में जाएगी, स्पेशली चाइना में जाएगी। चाइना के लोगों के अंदर डर फैलेगा, वो सीपैक का काम करने के लिए पाकिस्तान आने के बारे में 10 बार सोचेंगे, कितनी सिक्योरिटी दी जाएगी, डर डर के काम करेंगे। तो ये सब एक बहुत बड़ा, मतलब आप समझ सकते हो, प्लान के तहत चाइनीज़ पर अटैक किया जाता है। बलूचिस्तान के लोग नहीं चाहते कि सीपैक बलूचिस्तान से गुजरे, जो लोग आज़ादी मांग रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और बलूचिस्तान में बलोच बहुत ही कम बचे हैं, अल्पसंख्यक बन गए हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है वो पश्तून आबादी हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान में आपको पता है जो पाकिस्तान ने आग लगाई थी वहाँ से लोग बेचारे भागकर बॉर्डर इलाके पर आए, बलूचिस्तान के क्वेटा पे आए, केपीके में आए, तो वो पठान पश्तून सारे वहाँ आकर बस गए। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, चीनी बेचारे जो नॉर्मल लोग हैं, मैंने एक चाइनीज़ लेडी का वीडियो देखा जो चाइनीज़ सिखाने के लिए मतलब गई थी पाकिस्तान और सिखा रही थी, वो भी बेचारी इस बम ब्लास्ट में मारी गई। तो आप समझ सकते हो चाइनीज़ की तो कोई गलती है नहीं, गलती इसमें पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के लोगों ने जो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान की स्पेशली फौज ने जो बलूचिस्तान में किया है, उस वजह से बलूचिस्तान के पढ़े लिखे लोग तक अपने आप खुद को उड़ाने के लिए तैयार हैं, इस तरीके से बम ब्लास्ट करने के लिए तैयार हैं, सुसाइड अटैक करने के लिए तैयार हैं, तो वो कितने मतलब पाकिस्तान से चिढ़े हुए हैं।